नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन को लेकर। बिहार में जमीन से जुड़े मामले सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में बिहार सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि जमीन से जुड़े मामलों को कम किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में हो रहे जमीन विवाद को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार ने पारंपरिक बंटवारा को लेकर कानून बनाया है। इसके तहत 100 रुपये के स्टाम्प पर बंटवारा कर परिवार के सदस्य को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। साल 2018 में बने इस कानून के तहत वैसे जमीन का आवंटन किया जा रहा है जो खतियानी या हाल हासिल जमीन है। जिला अवर निरंतर कार्यालय से मिली जानकारी के तहत जमीन के कानूनी हकदार अगर चाहे तो वह उस जमीन को अपने बच्चों के बीच में बंटवारा कर सकता है। सभी इसके मालिकाना हक भी दे सकता है। इसके लिए भूस्वामी जिसके नाम से खतियाना जमीन है वह किसी सक्षम पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि के पारिवारिक सूची बनाकर जमीन का चौहद्दी के साथ 100 रुपये का स्टाम्प खरीदकर उस पर बराबर के हिस्सा का बंटवारा कर सकता है। इस पूरे मामले को लेकर मधुबनी जिला अपर प्रबंधन पदाधिकारी रिंकी कुमारी ने कहा कि सरकार की तरफ से लागू इस योजना का लाभ लोग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 2 साल में सिर्फ 2 मामला आया है। निबंधन पदाधिकारी ने कहा कि जो व्यक्ति खुद जमीन खरीद किया है उस पर भी यह नियम लागू होता है, लेकिन लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। उनका कहना है कि खतियानी जमीन में अगर किसी को 4 लड़का है और 2 लड़की है तो उस जमीन का बंटवारा के समय लड़की के पक्ष भी रखना होगा। कारण नए नियम के तहत खतियानी जमीन में लड़की का भी हक होता है। अगर लड़की लिखकर देती है तो फिर उसको भी उस स्टाम्प पर दर्शाना होगा। कहा कि इस कानून के तहत जो बंटवारा होता है उसमें किसी भी तरह के झंझट की संभावना नहीं होती है, लेकिन कानून में बहुत सारा नियम ऐसा भी दिया गया है जिसकी वजह से लोग इसी ओर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून में वैसे जमीन को भी रखा गया है जो माता या फिर पत्नी के नाम से हाल में खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि सभी को इसका लाभ देना चाहिए ताकि घर के मुखिया के निधन के बाद जो जमीन विवाद को लेकर झंझट होता है उस पर रोक लग सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार जमीन बंटवारा को सुलझाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। बिहार के सरकारी जमीन में खरीद बिक्री के नियमों में भी बदलाव की बात कही गई है। अब आपको बता दें कि पिछले दिनों पारिवारिक संपत्ति में बंटवारा को लेकर बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव किया, जिसमें बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि विभाग इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे में आखिर कैसे विवाद को कम किया जाए। मंत्री रामसूरत राय के अनुसार एक परिवार में अगर कोई भाई है और बहुमत इस बात को लेकर है कि आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया जाए तो अल्पमत के विरोध से बंटवारा रुक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिए नियमों में आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है और सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है। पुस्तैनी जमीन के बंटवारे में कोई अड़चन ना आए इसके लिए नियमों को और भी ज्यादा सहज बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे मामलों में सहमति पत्र तैयार करते हुए उसे कानूनी मान्यता भी दी जाए। तो बिहार सरकार लगातार जमीन से जुड़े हुए मामलों को निपटारा करने की बात कर रही है। सबसे ज़्यादा मामले जो आपसी विवाद है, भाई से भाई का विवाद है, इन सारे विवादों को लेकर बिहार सरकार लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। इसको लिए लगातार अपने कानून में भी उसने बदलाव कर रही है। ऐसे में बेटी को भी खतियानी जमीन जो मालिकाना हक है, जो पूर्वजों से जो जमीन आ रही है उसमें उसको हक देने की बात कही गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।